देश भर में जल्द ही टोल नाका हट सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा सदस्यों से कहा कि वह देश में एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की जनक है, क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक के अंत में राज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में इस तरह की पहली सड़क का निर्माण किया था। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये टिप्पणी की। सदन में सदस्यों ने शहर की सीमा के भीतर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा स्थापित करने पर चिंता व्यक्त की थी, जिसके कारण स्थानीय आबादी को शहर के अंदर आने पर भी टोल का भुगतान करना पड़ता है। सड़क परिवहन मंत्री, जिनकी अक्सर अपने मंत्रालय के प्रदर्शन के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा भी प्रशंसा की जाती है, उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को ठीक किया जाएगा और दावा किया कि समस्या यूपीए शासन के तहत उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी, शहरी क्षेत्र के पास टोल लगाया जाता था और सभी को इसका भुगतान करना पड़ता था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गैरकानूनी है। गडकरी ने कहा, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इस टोल का जनक हूँ, क्योंकि देश में पहली बार मैंने टोल सिस्टम शुरू किया और BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की पहली परियोजना महाराष्ट्र में ठाणे थी। उन्होंने बताया कि साल 1995 और 1999 के बीच महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री के रूप में गडकरी के कार्यकाल के तहत अपनी तरह की पहली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा कि जो नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, उससे हम देखेंगे कि शहर का इलाका खत्म हो जाएगा और लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अक्सर शहर के लोग एक्सप्रेसवे रोड के केवल 10 किलोमीटर का उपयोग करते हैं और 75 किलोमीटर के लिए टोल का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में मैं टोल टैक्स का पापा हूँ और ये ना रहे, मैं इसको लेकर विचार कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।